फिलहाल वी आर वेरी वेरी हैप्पी दैट वी आर एट लास्ट गोइंग ऑन अ नेक्स्ट डेस्टिनेशन. तो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाली है हरिद्वार. सो लेट्स सी ऑन रूट हम क्या क्या करते हैं और मैं आपके साथ सारा कुछ शेयर करूँगी. पहुंच गए अभी. कहाँ है हम लोग? एक मामा यादव. यहाँ पे लंच करने रुके. एक्चुअली हमारा लंच तो हो गया है, मतलब हमने ऐसा खाया है. ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से किया था हमने, बट हमने सोचा कि हम जरा एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखा दें यहाँ पे क्या क्या है. हम लोगों ने कुछ खाया नहीं एक्चुअली. हमारे बलबीर जी किधर गए पता नहीं. हमारे टूर गाइड वेरी स्वीट, शांत है, एकदम अच्छे हैं अभी तक तो. अच्छे अभी वो खाएंगे और हम थोड़ी सैर करते हैं और देखते हैं हवा का क्या है और फिर टूर आगे लेके जाएंगे. बहुत अच्छी जगह है एक्चुअली. दिल्ली और मुंबई में यही डिफरेंस है कि बहुत बड़ी बड़ी जगह देखने मिलती है, स्पेशियस है यहाँ पे. मुंबई में थोड़ा क्राउडेड है और छोटी जगह है, इसलिए लोग भी ज़्यादा आ जाते हैं तो क्राउड लगने लग जाता है थोड़े भी यहाँ पे. हाँ यहाँ पे वैसे नहीं लगता है. अभी हम लोग ये इधर देखते हैं क्या क्या है. चॉकलेट से मैंने इतना चॉकलेट खाया अभी, मतलब एक्चुअली छोटे छोटे चॉकलेट्स जो नट्स चॉकलेट्स आते हैं ना वो खाए. चिकन जी हाँ चल कम. तो हम लोग का लंच वैसे हो गया है इसलिए हम लोग कुछ खा नहीं रहे, कुछ ठंडा पी सकते हैं. दिशा गिर गई. फिल्मी स्टाइल मैंने पढ़ लिया मैंने कहा फिल्मी स्टाइल साइंडली भी दिशा गिर गई. आज गिर रही वाली थी वो. उसको बोल रही हूँ मैं कब से शूज पहन. तू देखो रोज नहीं पहनने की आदत, तो शूज क्यों नहीं डाल रही है? देखो कैसे मुंह कर रही है, सोच रही है अभी शूज पहनूं या नहीं पहनूं. नहीं पेठा चल के मान पड़ और गाड़ पड़ने को अच्छी गिरी बहुत बुरी तरह. चलो चलो देखते हैं आगे हम क्या करते हैं. उसके बाद हम आ गए थे इधर जैन शिकंजी पीने. तो ये आउटलेट बहुत अच्छा लग रहा था और हमको खाना नहीं था तो इसलिए हमने यहाँ पे सोचा कि कुछ पी लेते हैं. हाँ स्टॉल है
क्या है हमारे पास जस्ट इन केस वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज डू सी एंड शेयर. कौन कौन वैसे करता है वो भी मेरे को बताइए. सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी नाउ. बच्चा था ना वो, हाँ, वो हेल्पर को दे दिया था गाड़ी. हाँ रोड ट्रिप से रियली डेंजरस बट उन्होंने हाँ उसको कंट्रोल नहीं हुआ क्या गाड़ी के? तो देख रहा है वहाँ से आ रहा है तो छोटा रोड हाईवे पे डरी गई उसको. बट अच्छा किया आपने उसको बोला ऐसे तो कंट्रोल हो गया इसलिए. तो यहाँ पे हम रोड ट्रिप एंजॉय करते करते पहुँच गए थे हरिद्वार जो बहुत ही ब्यूटीफुल था देखने में. चलो फिर अभी हम लोग पहुँच गए हरिद्वार और हम देखेंगे गंगा आरती आज. सो दिशा इज गोइंग टू सी इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. वेरी एक्साइटेड. चलो लेट्स सी हरिद्वार की गंगा आरती कैसे आरती की जगह पर पहुँचते पहुँचते हमने बहुत ही अलग और अनोखा एक इंडोर प्लांट आप बोल सकते हैं वो देखा. तो देखिए संजीवनी वनस्पति ये घर पे भी मैं लेके जा सकती हूँ. ये ड्राई होता है 24 आवर्स पहले खुले पानी में रखे में डिप करना है तो ग्रीन आ जाएगा. आप कहीं पे रखे हैं तो 2-3 साल तक चलेगा. 8-10 दिन में पानी को चेंज करना होता है. ये इंडोर है या आउटडोर? आउटडोर जहाँ इच्छा करें. इंडोर रखना कमरे के अंदर रखो, आउटडोर रखना मट्टी में पॉट में कहीं पे लगा सकते हैं. अच्छा मट्टी में पॉट में. और ये अभी मैं अगर लेके जाऊंगी सूखा हुआ अभी एक साल भी रखे कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छा सो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा इसलिए मैंने वापस आते टाइम मैंने वो प्लांट खरीदा है. आरती दिखने के लिए और वो जगह मिलने के लिए बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं स्ट्रगल था और उसी बीच हमने कुछ नए फ्रेंड्स भी बनाए थे. Yeah, I'm going to go.
घूमने के लिए बहुत अच्छा है। अब आओ ठंड में आओ, ऐसी तरफ गर्मी में आओ बहुत भूख तो ठंड में आओ फिर अच्छा है। बहुत है 40 डिग्री में मजा चल रहा है, 40 डिग्री चल रहा है, मतलब एसी से बाहर कोई रह नहीं पा रहा है। मुंबई में भी ज्यादा गर्मी है, मुंबई से भी ज्यादा गर्मी है। अच्छा लग रहा है, आज जो डिफिकल्ट थी सब लोग आए मराठी बोल रहे हैं, कौन सा मराठी कौन सा लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा, फिर थोड़ा पता लग रहा है कि मराठी है, लेकिन मुझे वो अच्छा है मराठी क्योंकि हम महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में हम लोग भी जाएंगे फिर मुंबई, सच में आना भाई, बहुत अच्छा मुंबई मुंबई बोलेंगे कॉलेज से है एन इंट्रोवर्ट में इतने फ्रेंड्स नहीं बना पाती हूँ, बट ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि हम कहीं पे जाते हैं और हम ऐसे फ्रेंड्स बनाते हैं। सो ये है हमारी ऋषिकेश की रूम और आप देख सकते हो कि हम पहुंच गए हैं। मैं आपको रूम टूर देती हूँ, जस्ट इग्नोर बहुत सारा सामान है। सो लेट्स सी। सो ये आपको पता है दिशा है और ये ब्यूटीफुल बट छोटी रूम है। ये है वॉशरूम, ये हूँ मैं और ये है बहुत ही अच्छा मिरर। बट सबसे अच्छी बात पता है क्या है इस रूम की? यस, जिसका व्यू मुझे लगता है कल सुबह मिलेगा देखने के लिए। ये है बहुत ही अच्छा सा व्यू, तो कल देखते हैं इसका व्यू। डिनर करने जा रहे हैं, लिफ्ट देखा, लिफ्ट इतने क्यूट है, इतने से जगह पे अकोमोडेट की है, डिजिटल लिफ्ट, बहुत अच्छा होटल है, बहुत ही ज्यादा अच्छा, ब्लेसिंग्स। एक्चुअली आई थिंक दिस इज अ न्यू प्रॉपर्टी, इसलिए बहुत अच्छी है। क्या हुआ प्रजक्ता? भूख लग रही है, भूख लग रही है। दिस इज द प्रॉपर्टी वी आर स्टेइंग, वेरी नाइस। एंड दिस इज किचन एरिया जहाँ से धुआं आ रहा है, खाना तो नहीं आ रहा। तो जैसे ही हमारा खाना आया, वी फाइनली हैड आर डिनर एंड दिस वॉज आर ट्रिप फ्रॉम दिल्ली टू हरिद्वार एंड हरिद्वार से ऋषिकेश। सो कल आएंगे शॉर्ट्स ऋषिकेश में, मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया है, एक व्लॉग किया है और बाकी तो मैंने शॉर्ट्स डाले हैं, क्योंकि हम लोग एक्टिविटीज़ करने गए थे रिवर राफ्टिंग की, सो उसमें बहुत सारा टाइम निकल गया था एंड शाम को हम आरती देखने गए थे। सो दिस वॉज आर डे 3 टेक्निकली इन ऋषिकेश हरिद्वार से होके। आई होप यू आर लविंग इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर। बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस।